4 का यहाँ से इस साइड। अब हम बनाएंगे फ्लाप का फर्मा, यहाँ पर भी एक आधा इंच का मार्क लगा देंगे। तो हमने निशान को फ्लाप के अंदर क्यों लिया है, थोड़ा सा बड़ा इसे क्यों काटा है, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको पैकेट फ्लाप बनाने का बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपके पैकेट फ्लाप कभी भी आड़े तिरछे नहीं बनेंगे। और कई लोगों के साथ ये परेशानी हो जाती है कि पैकेट बड़ा दिखने लग जाता है और फ्लाप छोटे दिखने लग जाते हैं, तो आपको ये परेशानी भी आगे नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पॉकेट का फर्मा बनाना सिखा देते हैं। तो पॉकेट का फर्मा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ले लिया है शीट, ये धागे का खाली बॉक्स हमने ले लिया है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बीच में से। और मान लीजिए हमें 4 साढ़े 4 का पॉकेट बनाना है, तो 4 साढ़े 4 का पॉकेट बनाना है तो यहाँ पर एक पहले मार्क लगा देंगे सीधा, यहाँ पर ऊपर एक सीधा मार्क लगा। और हमें 4 साढ़े 4 का पॉकेट बनाना है, जैसे कि 4 इंच यहाँ पर चौड़ाई लेनी है पॉकेट की और 4.5 लंबाई लेनी है। तो 4 का आधा होता है 2, तो हम यहाँ पर 2 इंच पे इसे मार्क लगा देंगे। 2 इंच पे हमने मार्क लगा दिया है। और नीचे 4.5 का फर्मा बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम 4.5 का मार्क लगा देंगे और एक मार्क यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 इंच का मार्क लगा देंगे, मतलब 2 का डबल 4 इंच चौड़ा हमारा पॉकेट हो जाएगा। और हम इसे अब जो मार्क लगाया था वहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन हमने खींच दी है। और अब जो जो हमारा मार्क लगाया था हमने 4.5 का, यहाँ से इस 4.5 का मार्क हमने जो लगाया था यहाँ पर हम आधा इंच का एक मार्क और लगा देंगे। तो जो हमने ये आधा इंच का मार्क लगाया है यहाँ से हम इसे मिला देंगे, ये देखिए हमने इसे मिला दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 इंच हमने लिया है यहाँ से, ये 2 इंच पर मार्क लगा हुआ है। और यहाँ से हमने इसे लिया है 4.5 इंच, देखिए 4.5 इंच पर मार्क लगा हुआ है। और हमने यहाँ पर जो 4.5 का मार्क था यहाँ से आधा इंच ऊपर एक मार्क लगाया और उससे इसको मिला दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्मा बन के तैयार हो चुका है, 4 इंच और ये 4.5 इंच। तो 4 साढ़े 4 का हमारा फर्मा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे फ्लाप का फर्मा। फ्लाप का फर्मा बनाने के लिए हमने ये शीट ले ली है, इसे भी हम बीच में से फोल्ड कर देंगे उसी तरह से। यहाँ से एक सीधा मार्क लगा देंगे 2 इंच पे, ये 2 इंच पे हमने मार्क लगा दिया है। और इस पर सीधी लाइन खींच देंगे एक, और यहाँ से हम 2.25 पे मार्क लगा देंगे। फ्लाप हमारा 2 इंच का दिखता है बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो यहाँ पर 2.25 का लगा देंगे ताकि जो दबाव है वहाँ पर पॉकेट बनने के बाद में इतना दब जाता है तो 2 इंच का हमारा फ्लाप दिखने लगेगा। और यहाँ पर भी हम एक मार्क लगा देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच का मार्क हमने लगा दिया है और इसे मिला देंगे। तो हमने इसे मिला दिया है। और यहाँ पर भी एक आधा इंच का मार्क लगा देंगे, ये यहाँ पर आधा इंच का मार्क लगा दिया है, ये 2.25 है टोटल और यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्क लगा दिया है। अब हम इससे मिला देंगे, ये हमने अब इससे मिला दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 इंच है और यहाँ पर हमारी लंबाई जो है वो 2.25 इंच रखना है हमें, 2.25 इंच है। और यहाँ पर जो हमारी 2.25 इंच है यहाँ से आधा इंच पहले ही हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया है, उससे इसे मिला दिया है। तो अब हम इसे काट लेंगे। फ्लाप काटते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमने निशान लगाया है निशान के थोड़ा सा पास से हम इसे काटेंगे। निशान को हम साथ में ले लेंगे, ये देखिए,
हमने निशान को फ्लॉप के अंदर क्यों लिया है, थोड़ा सा बड़ा इसे क्यों काटा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए अब हमने पॉकेट के ऊपर फ्लॉप को रख दिया है। ये देखिए हमारा फ्लॉप हल्का सा बड़ा दिख रहा है आपको, ताकि आसानी से वो पॉकेट को ढाक रहा है दोनों तरफ से। अगर आप निशान को नहीं लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बनने के बाद में जो फ्लॉप छोटा हो जाता है बनने के बाद में, तो आपका पॉकेट बड़ा दिखने लग जाता है, यहाँ से बाहर झलकने लग जाता है। तो आप इस लाइन को अगर ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, तो अगली बार जब भी आप पॉकेट बनाएंगे, फ्लॉप बनाएंगे, तो पॉकेट आपका बड़ा नहीं होगा और दोनों बराबर दिखेंगे इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉकेट फ्लॉप बनाने का और लगाने का बिल्कुल सही और आसान तरीका, जिससे आप आसानी से पॉकेट फ्लॉप बना पाएंगे और बहुत ही जल्दी लगा पाएंगे। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।